पीछे वाले बच्चों को भी आवाज जाती होगी, कम हो गई, पीछे वाले बच्चों को आवाज जा रही है। थैंक्स। इस विद्यालय के संस्थापक महोदय जी, प्राचार्य महोदय जी, शिक्षक बंधुओं एवं शिक्षिकाओं तथा प्यारे बच्चों, आप सबको देख करके एक संस्मरण याद आ गया। पहले वो बात कहूं मैं, सूरत के जिस आश्रम में मेरा रहना होता है उसी से कुछ दूर पहले, बिल्कुल नजदीक ही है, 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी होगी, वहां भी सरस्वती शिशु मंदिर है। हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है वहां। आज से करीब 10 साल पहले की बात है, वहां के प्राचार्य अपने विद्यालय के कुछ बच्चों को लेकर के आश्रम आए। मैं अपनी कक्षा में बैठ करके स्वाध्याय कर रहा था, सूचना मिली कि स्कूल से बच्चे आए हैं, उनके लिए आप कुछ कह दीजिए। मैं गया, बैठा, बच्चे बैठ गए जैसे आप लोग बैठे हैं, और प्राचार्य और एक दो शिक्षक थे वो पीछे बैठ गए। ऐसी दरी बिछी हुई थी, मैं सामने बैठा था, और मैंने बच्चों से यूं ही पूछा, बच्चों ये बताओ पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो सामने मैं थोड़ा सा अटपटा सो लगा, ये साधु का कपड़ा पहना है, ये प्रश्न कर रहे हैं, और पीछे उनके प्राचार्य बैठे थे, शायद संकोच किए होंगे बोलने के लिए। फिर भी मैंने कहा कि नहीं बताओ। तो उनमें से कुछ बच्चे बोलने लगे, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, छात्राएं भी थी। मैं किसी ने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने प्रोफेसर, किसी ने कुछ, छात्राएं भी बोलने लगी, थोड़े लोग बोले भले ही। फिर मैंने कहा कि ये अच्छा लगा कि आप सभी पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं ये पता चला। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, आप सभी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर इत्यादि बनना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? तो सभी बच्चे शांत बैठे रहे। मैं देख रहा हूँ एक छात्रा है, वो हाथ आधे उठाई थी, पूरे नहीं। तो फिर मैंने कहा, आप जो बनना चाहते हैं हो सकता है ना बन पाओ, यह जरूरी थोड़ी है कि कोई डॉक्टर बनना चाहे डॉक्टर बन ही जाए। जो आप लोग बनना चाहते हैं हो सकता है ना बन पाओ, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में एक बात तो तय है, आप किसी न किसी माता पिता के बच्चे हैं, और कुछ दिन के बाद क्या होगा, पति बन जाओगे, पत्नी बन जाओगी, और कुछ दिन के बाद माँ बन जाओगी, पिता बन जाओगे। क्या इसकी भी पढ़ाई कर रहे हो कि हमें माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ, परिचितों के साथ, अपरिचितों के साथ, क्या इसके लिए भी कुछ पढ़ लिख रहे हो,
कुछ सोच रहे हो? ये बातें मैंने उन लोगों से की। फिर उसके बाद तो न जाने कौन सी बातें हुई, 10 साल पहले की बात है। प्राचार्य तो अभी भी आते हैं समय समय से, अलग विद्यालय में चले गए हैं वो, लेकिन फिर भी आश्रम से उनका जुड़ाव है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ शिक्षा लेने के लिए आए हैं तो शिक्षा का उद्देश्य समझ लेना चाहिए, नहीं तो केवल एक रूटीन वर्क चलता है। गार्जियंस पालक भेज देते हैं कि बच्चों को विद्यालय भेजना है, पढ़ाना लिखाना है, शिक्षित करना है, और शिक्षित करने का उद्देश्य क्या होता है ये सभी जानते हैं, और बच्चों के मन में यही भरा होता है, अच्छे नंबरों से पास होना है। और जब अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे और डिग्री मिल जाएगी तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और इसी के लिए प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, प्रयास है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है इसको थोड़ा साफ कर लेना चाहिए। क्यों क्यों पढ़ते हैं? तो पहला तो है कि जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, और शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। बच्चों, रोजी रोटी कमाने की शिक्षा विद्यालय और महाविद्यालय में जाकर तो पा ही जाएंगे, लेकिन जीने का ढंग कहाँ है? और इसीलिए मैं जब शिक्षक मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, जब मैं भारत के विभिन्न प्रांतों में जाता हूँ, वहाँ के लोग मिलते हैं, आते हैं, और कई बार विद्यालयों भी जा करके, जैसे आज बोल रहा हूँ, बोलने का अवसर लगता है, तो मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ, शिक्षकों से, कि आप बच्चों को केवल स्कूल की पढ़ाई ही मत करिए, केवल सिलेबस कंप्लीट मत करिए, आप जो आपको समय मिलता है उसी में से कुछ समय निकाल कर, चाहे वो सप्ताह में हो, 15 दिन में हो, महीने में एक दो बार हो, जब भी अवसर मिले थोड़ा सा समय निकालें, और स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ जीवन का पाठ भी पढ़ाएं। और मैं जानता हूँ केवल सिलेबस कंप्लीट कराने वाले टीचर्स को बच्चे प्रायः भूल जाते हैं, लेकिन जो जीवन का पाठ पढ़ाते हैं उसे जीवन भर याद रखते हैं। क्यों? आप अच्छी तरह जानते हैं, अभी तो आप लोग हाई स्कूल में, जब यहाँ भी बहुत से ऐसी पढ़ाई होती है, बहुत से ऐसे विषयों की जानकारी दी जाती है जो आगे चलकर हमारे जीवन में उपयोग ही नहीं होता है। मैं जानता हूँ जब पढ़ता था तब, जब हम लोग केमिस्ट्री के लैब में, फिजिक्स के लैब में जाते थे, प्रयोगशाला प्रयोग करते थे, आज मैं सोचता हूँ उसका क्या उपयोग है? बहुत ऐसी चीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शिक्षा नहीं चाहिए, वो चाहिए, लेकिन जो शिक्षा हमारे जीवन को मूल्यवान बनाए उसकी भी जरूरत है। वो पैरेलल चले, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये मैंने कहा ना, शुरू से ही ये दिमाग में डाल दिया गया है कि आप चाहे जैसे हो अच्छे नंबर लाओ, बस जीवन कैसा जीना है इसके बारे में न तो परिजन चिंतित हैं और न शिक्षक बंधु चिंतित हैं। हमारे देश को यदि सुंदर राष्ट्र बनाना है, एक सुंदर समाज की रचना करनी है, सुंदर परिवार की रचना करनी है, तो मैं जहां तक समझता हूं ये तीन लोग यदि ठीक हो जाएं, सही दिशा में चलें और अपने दायित्व का सही निर्वहन करने लग जाएं, तो शायद हम सब ये काम कर पाएंगे। वो तीन में क्या है? माता पिता और शिक्षक, वहीं से निकलते हैं। शुरू से आप बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं उनको पहले ही बताइए। आज ही जैसे एक सरल उदाहरण बताऊं,
आप सभी जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार लाल किला के प्राचीर से स्वच्छता अभियान के विषय में बोले थे, घर घर शौचालय हो, बाहर कचड़े ना हो, साफ करो। और उन्होंने जब ये शुरुआत की, उन्होंने ये बातें कही वहां से, उसका प्रभाव आज देखा जा रहा है। हम ही लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ में आज से 30 साल 35 साल पहले जब गांव की गलियों में घूमते थे, अर्थात सड़कों पर जाते थे, तो बाहर कितनी गंदगी होती थी। आज वो गंदगी नहीं, कई जगह बाहर बोर्ड में लिखा रहता है खुले में शौच मुक्त मैदान या गांव। इसका मतलब वो प्रभाव आया है। लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, खाएंगे सामान फेंक देंगे। जैसे आजकल वो प्रचलन है ना गुटखा खाने का, और वो पैकेट वाला जो खाने का होता है जिसमें कुरकुरे मुरमुरे आप लोग कहते हैं, हम लोग ट्रेनों में चलते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, बाहर भी यात्रा करते हैं, देखते हैं, लोग खाएंगे और वहीं जहां बैठे रहेंगे वहीं पर फेंक देते हैं। मैंने एक बार धमतरी के शहर से गुजर रहा था, एक बोर्ड लिखा देखा, वहां लिखा था स्वच्छता रखने से होगी, करने से नहीं होगी। ये मैसेज फिर से कह रहा हूं, स्वच्छता रखने से होगी, करने से नहीं होगी। आप स्वच्छता रखें, करने वाला कितने लोग होते हैं आखिर में, कितने लोग सब यहाँ पर इसी परिसर में स्वच्छता इस सफाई करने वाले, झाड़ू लगाने, साफ सुथरा करने वाले कितने होंगे? 2-4-10 होंगे। और आप सभी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, 2-4 के मेहनत से स्वच्छता बनी रहेगी? रखने से होती है। और इसकी शुरुआत यदि पहले ही बच्चों को संस्कार दे दें, शुरुआत से बच्चे माता पिता ही कचड़े वहां डालो, बाहर मत फेंको। और इसी प्रकार इन बातों की चर्चा शिक्षक बंधु करने लग जाएं, तो मैं समझता हूं 20 साल बाद रिजल्ट आ जाएगा। फिर वो कहना नहीं पड़ेगा डस्टबिन में कचड़े डालो, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल जैसे संस्कार में समा गया हो, वो हमारे अवचेतन में रिकॉर्डिंग हो चुकी हो, और वो काम अपने आप होता है, हम बाहर कचड़े डाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। मैं तो एक उदाहरण दिया, और ये क्या होता है, वो हमारे जीवन को, हमारा व्यवहार हमारे अपने आप को बताता है आप कैसे हैं, और यहां तक के आपके भविष्य को भी बताता है, भविष्य को भी बताता है। एक पिता अपने 3 बच्चों को लेकर के एक ज्योतिषी के पास गया, यह जानने के लिए कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसा है, आप बताएं। तो भविष्य वक्ता तो था ही वो, लेकिन ज्यादा वो व्यवहारिक था। उसने क्या किया, बच्चों को बैठाया और 2-2 केले खाने को दे दिए, बच्चों ये केले खाओ। और बच्चे केले खाने लगे तो वो अपने पोथी को देखने के, देखते तो थे लेकिन उनकी आंखें देख रही थी बच्चों के हरकतों पर, क्रियाकलाप पर। तो एक बच्चा था उसने केला खाया और बैठा था बस, वहीं से थोड़ा फेंक दिया, छिलका फेंक दिया। दूसरा ने क्या किया, केला खाया, छिलका को डस्टबिन में डाल दिया। तीसरे ने क्या किया, केला खाया और छिलके को वही गाय थी, गाय को खिला दिया, वो काम खत्म हुआ। तो फिर ज्योतिषी ने क्या कहा कि आपके 3 बच्चों में से एक तो आपका नाम डुबाएगा, कोई काम का लायक नहीं है, दूसरा लगभग ठीक ठाक है बस, और तीसरा आपका नाम रोशन करेगा। उन्होंने कहा कैसे जाने, व्यवहार ही तो दर्पण है मनुष्य को परखने की, आप सभी समझ गए कैसे है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा जीवन कैसा है, हमारी डिग्री कितनी है कौन पूछता है आगे चल करके। पहले बड़ा महत्व तो था, लेकिन आज आप देखेंगे आपके आसपास इंजीनियर की डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। उन बच्चों से पूछो क्या कर रहे हो, बेकार हूं, खाली हूं। मतलब यदि नौकरी नहीं मिली तो अपने आप को बेकार समझने लगते हैं बस।
तो फिर इसका मतलब है ऐसी बच्चों से पूछो इन लोगों में से तो क्यों पढ़ते ही कहेंगे ना। कितनी बार मैंने बच्चों से पूछा है, किसी ने कहा मैं ज्ञान पाने के लिए, किसी ने कहा आगे बढ़ने के लिए, किसी ने कहा कि अच्छी नौकरी मिल जाए, ऐसी सब बातें हैं। और सबका भाव यही है कि हमें एक बड़ी नौकरी मिल जाए और हम बहुत सारा पैसा कमाने लग जाएं। मैं कहता हूं इसका मतलब यही हुआ आप पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हैं, बस इतना ही तो है। लेकिन क्या बहुत सारा पैसा कमा के घर ले आएंगे, आपको आनंद का अनुभव हो जाएगा, सुख का अनुभव हो जाएगा? नहीं हो सकता है। इसलिए इन बातों पर भी ध्यान रखिए, आपका व्यवहार सही होना चाहिए, आप अपनी योग्यता को बढ़ाएं। मैं आप लोगों के हिसाब से दो बातें कहना चाहता हूं, आप क्या करना है, दो बातों का ध्यान रखिए अपने जीवन में, खास करके बच्चों के लिए और सबके लिए। वो तो योग्यता और चरित्र, योग्यता और चरित्र, इन दोनों का विकास जीवन में करें। क्या है दोनों में अंतर, योग्यता और चरित्र में क्या अंतर है? योग्यता हमें ऊंचाई पर ले जाती है और चरित्र हमको वहां टिकाए रखता है, टिकाए रखता है। आप योग्य हो करके अच्छे पद पर तो चले जाएंगे, लेकिन चरित्र सही नहीं होगा तो उस पद से फिर से नीचे ढकेल दिए जाएंगे। इसलिए योग्यता को विकसित करिए, और योग्यता यही सबसे बड़ी बात है। योग्यता ही है जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें योग्य बनना पड़ेगा। ये पंक्ति आप लोग शायद सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कही है और मैंने अन्य लेखकों से भी ये पंक्ति उनकी पुस्तकों में पढ़ी है। हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, शायद आप लोग ध्यान दें मेरी बातों को, हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। जैसे बच्चे आप सभी हैं, आप लोग ये चाहें मैं फर्स्ट एंड फर्स्ट आऊं, अर्थात मेरिट में मेरा नंबर आए, टॉप टेन में मेरा नाम आए, क्या इस प्रकार चाहने से सचमुच आप मेरिट में आ जाएंगे? नहीं। कब आएंगे? जब आपकी योग्यता होगी मेरिट में आने की, फर्स्ट आने की योग्यता होगी, तभी आप आएंगे। जैसे एक लड़का पढ़ा लिखा, पढ़ाई पूरी हो गई, क्या चाहता है? मैं कलेक्टर हो जाऊं। क्या कलेक्टर होने की चाह रखने मात्र से, इच्छा तो है कलेक्टर हो जाऊं, इतने मात्र से कलेक्टर हो जाएगा वो? नहीं होगा। कब होगा? जब कलेक्टर की योग्यता होगी। योग्यता को विकसित करें इस चीज को। और अच्छा, कैसे विकसित करें? ये बड़ा सरल है, आप लोग तो कर रहे हैं ना। एक साल में एक कक्षा, एक साल में एक कक्षा, हर चीज को आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ना, आप उसके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप उस योग्य बनिए जो आप चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा इस ढंग से बताऊं, आप लोगों के हिसाब से इसको सूत्रों का याद रखना, पाना, बनना और पाना दोनों जुड़वा भाई हैं। फिर से कह रहा हूं मैं, बनना और पाना दोनों जुड़वा भाई हैं। अच्छा, जुड़वा भाई मतलब समझ रहे हैं ना, ट्विंस, सही है ना। बनना और पाना दोनों जुड़वा भाई हैं। मैं इसको स्पष्ट करूं, जैसे एक ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस जिसे कहते हैं, तो एक बड़ा सा कमरा है, वहां पर एक अच्छी सी बड़ी सी कुर्सी लगी है, वहां एक आदमी बैठता है, हम कहते हैं कलेक्टर साहब। लेकिन उसी कमरे के दरवाजे पर एक दूसरा आदमी खड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? चपरासी कहो, अर्दली कहो, या फिर जो भी आप नाम लें, है ना कोई, लेकिन वो भी कलेक्टर ऑफिस में काम कर रहा है। दोनों कलेक्टर ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये बताइए दोनों की तनख्वाह में अंतर है? कितना अंतर है? बहुत अंतर है। अरे उसको कहना चाहें तो कह सकते हैं एक टॉप पे है, दूसरा बॉटम पे है, है ना, काफी अंतर। अच्छा, ये अंतर क्यों हुआ? देखो मैंने क्या कहा था, बनना और पाना जुड़वा भाई है, इसको याद करिए। क्या कहा था? बनना और पाना दोनों जुड़वा भाई हैं।
जो कलेक्टर बने तो कलेक्टर की तनख्वाह पाए और चपरासी बने तो चपरासी की तनख्वाह पाए। सही है ना? अब थोड़ा उलट दो इसको, उल्टा कर दो, जो पाना चाहते हो बन जाओ। समझ आई बात? जो पाना चाहते हो वह बन जाओ। जैसे ये गाड़ी खड़ी है, कार है, मैं वहां जाकर खड़ा हूं और ये कहूं कि मुझे ऐसी कार चाहिए, तो मुझे एक और प्रश्न करना चाहिए अपने आप से, क्या क्या इस कार को पाने की योग्यता मेरे में है? है ना? यदि मेरे में कार पाने की योग्यता है तो कंपनी वाले मेरे पास लाके खड़े कर देंगे, है कि नहीं? और यदि योग्यता नहीं है और कार ले भी लिया तो क्या होगा? वो फिर से वापस ले जाते, होता है कि नहीं होता है? कई लोग लोन भरने के लिए, मतलब मंथली पैसा जमा करना होता है, नहीं जमा कर पाते हैं तो गाड़ी को फिर से वो खींच के बैंक वाले ले लेते हैं। कभी सुने होंगे ऐसा? तो क्या करना होगा? मुझे इस योग्य बनना है। एक मकान चीज आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी, मेरा मेरी तनख्वाह 1,00,000 रुपया हो, मंथली 1,00,000 रुपया, तो आपको क्या कहना है? 1,00,000 रुपये की योग्य बन जाए। इतनी योग्यता हासिल कर लीजिए कि आपको 1,00,000 रुपया तनख्वाह देने के लिए लोग बुलाएं, वो आपको करना है। और इसके लिए आपको देखिए, बाकी लोग तो कम वेतन पा रहे हैं, आप ज्यादा चाहते हैं, समझ रहे हैं ना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका मतलब आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। आप भीड़ का हिस्सा होना चाहें तो आप भीड़ जैसा कर रही है वैसा करो, लेकिन भीड़ से अलग अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो वह करो जो भीड़ नहीं करती है, वही करो। क्योंकि आपकी ही कक्षा में कोई तो है जो फर्स्ट आ रहा है या आ रही है, क्या है कारण? कभी उनसे मित्रता करके पूछें, आप पढ़ने का ढंग क्या है आपका? आप जब सुनते हैं तो आपकी एकाग्रता कैसी होती है जब अपने टीचर से को सुनते हैं तब? अच्छा, घर में कितने समय पढ़ते हैं? सुबह कब उठते हैं पढ़ने के लिए? होमवर्क का कैसे करते हैं? पूछें जो फर्स्ट आते हैं? नहीं, क्या मान लेते हैं? उनका भाग्य है। भाग्य नहीं है, भाग्य नहीं है, वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है। कुछ तो कारण है, कुछ तो उनके अंदर है, उसने विकसित किया है। कैसे योग्यता विकसित कर? मैं इसके लिए बिल्कुल देहाती उदाहरण बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि जब मकान बनता है तो दो प्रकार के कार्य काम करने वाले आते हैं, एक मिस्त्री और एक लेबर, है ना? जो सामान देने वाला होता है और एक ईंट जोड़ने वाला, प्लास्टर करने वाला। लेकिन मैं जहां तक जाना अभी तक, प्रारंभ में जब शुरू किया कोई भी ये कर्मचारी, ये लोग मिस्त्री हो कोई भी हो, शुरुआत जब इन्होंने की ना, लेबर से ही शुरुआत की है। मजदूर बन के ही आए होंगे पहले, सीधा मिस्त्री बन के घर से कोई काम करने नहीं आता है। शुरू में वो लेबर के रूप में आए, मजदूर के रूप में आए, लेकिन उन्हीं कई मजदूरों में से एक मजदूर, दो मजदूर ऐसे जो मिस्त्री के कामों को बहुत बारीकी से देखने लगे। फिर क्या किया? फिर उनके साथ हाथ बटाने लगा। और मजदूर बाकी खाली के समय में बैठ करके तम्बाकू रगड़ रहे हों, बीड़ी पी रहे हों, वो क्या कर रहा है? मिस्त्री के साथ काम, धागा पकड़ने में, ईंट रखने में, सीमेंट रखने में। अच्छा, अपना भी वही काम कर रहा है, उसके बावजूद अतिरिक्त काम कर रहा है। क्यों? सीखना है, आगे बढ़ना है। लेबर की जो जो पैसा है, तनख्वाह है, मजदूरी है, वो और मिस्त्री में बहुत अंतर है। यदि किसी को 300 रुपये मिलता होगा तो उनको 600 रुपया मिलता होगा, इतना अंतर हो जाता है। लेकिन वही 300 रुपया पाने वाला मजदूर मिस्त्री के साथ हाथ बटाया, सीखना चाहा, सीखना चाहा। और एक नियम है, जो सीखना चाहता है लोग उसे सिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो उसने देखा कि तो सहयोग भी कर रहा है, तो उसको फिर करता गया, साल भर किया, फिर उसको कहा थोड़ा तुम भी करो, तुम इसमें काम करो, अभी भी 300 मिल रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, अभी भी 300 मिल रहा है। और इतना अभ्यास कर लिया वो काम के लिए, काम को, अब 3 साल के बाद क्या कहता है? मैं मिस्त्री हूं। और फिर लोग उसको 600 रुपये देंगे। योग्यता बढ़ाए ना? कैसे योग्यता बढ़ाए? कैसी लगन से काम किए? आप अपने काम को जब लगन से करेंगे, समर्पित होके करेंगे, तब सफलता मिलेगी।
योग्यता ऐसी। मैं जैसे एक उदाहरण बताऊं, ये घड़ी है मेरे पास, या कोई भी आपके पास भी इस प्रकार से गैजेट्स हो, मोबाइल हो, घड़ी हो, कंपनी वाले जब उसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं, कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा देते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाती है। सच है ना, उसकी मांग बढ़ जाती है क्योंकि क्वालिटी बढ़ गई। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपकी भी मांग बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना, क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण, और गुण का मतलब यहां पर है सद्गुण, अच्छे गुण। क्रोध आपकी क्वालिटी नहीं है, क्षमा आपकी क्वालिटी है, द्वेष और नफरत क्वालिटी नहीं है, कटु बोलना क्वालिटी नहीं है। क्यों क्वालिटी नहीं है कह रहा हूं, कटु बोलने वाले इंसान को हम पसंद नहीं करते। सुने हैं ना कबीर की पंक्ति, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरय साले सकल शरीर। जो कटु बोलता है, झूठ बोलता है, जिसके मुंह से गाली निकलते हैं, निकलती है, ऐसे लोगों को हम पसंद नहीं करते। जो मीठा बोलता है, धीरे बोलता है और शांत रहता है, ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, ये ध्यान रखिए इस चीज को, क्योंकि केवल पढ़ाई, मैं क्या बताऊं इस चीज को, इन सब चीजों की चर्चा ही नहीं होती है, ज्यादातर तो बहुत कम होती है। घर के लोगों को देख रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बस एक रिएक्टिव जीवन जीते चले जाते हैं, मशीनियत जिसे मैं कहूं। अरे नहीं, कुछ अलग विकसित करो अपने आप को। मुझे वैसा विकसित नहीं होना, मुझे वैसा क्रोध नहीं करना है। देखो एक चीज बताऊं मैं, आप लोगों की अच्छाइयों से अच्छाइयां लो। जैसे कबीर ने कहा है ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देय उड़ाए। लोगों की अच्छाइयों से अच्छाइयां लें, लेकिन एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, लोगों की गलतियों से भी आप अच्छाइयां ले लें। यह अद्भुत है, कैसे लें? मैं एक उदाहरण बताऊं, ये दो भाइयों की कहानी है। दो भाई, एक भाई उसमें बहुत शराबी था, घोर शराबी, शराब पी करके आता, बच्चों को, पत्नी को मारता, पीटता, चिल्लाता, पूरे मोहल्ले में एक प्रकार से आतंक मचा देता और रोज का काम। दूसरा भाई बहुत सज्जन, घर भी अच्छा, सबके साथ बढ़िया व्यवहार, परिवार वालों के साथ और समाज में भी, और उनका व्यवसाय भी, अर्थात पारिवारिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा, सब प्रतिष्ठित, बहुत अच्छे इंसान। लोगों ने कहा ये एक ही माता पिता के बच्चे हैं, ये कितना कैसा अंतर है। अच्छा चलो पता लगाएं, तो गए पता लगाने के लिए, तो पहले पहुंचे शराबी के पास में, भैया तुम शराब पी करके आते हो, पत्नी और बच्चों को मारते हो, चिल्लाते हो, झगड़ा करते हो, हल्ला मचाते हो, आखिर तुमने यह करना कहां से सीखा? उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं अपने पिता से, जब हम लोग छोटे थे तो पिताजी शराब पी करके आते थे, हम लोग को मारते पीटते, माँ को भी मारते मार देते थे, पीटते थे, चिल्लाते थे, डांटते थे, क्रोध करते थे, आखिर मैं उसी के तो फोटोकॉपी हूं, वहीं से तो सीखा। लोगों ने कहा बात तो सही है। अच्छा चलो दूसरे भाई के पास चलते हैं। दूसरे भाई के पास गए, कहा भैया आप हर काम अच्छा कैसे करते हैं, आपकी पारिवारिक प्रेम भाव कितना अच्छा है, समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, और व्यवसाय भी बड़ा सुंदर है आपका, आखिर यह सब आपने कहां से सीखा इतना अच्छा करना? भाई ने क्या कहा, पिताजी से। क्या कहा? पिताजी से। उसने सब लोग आश्चर्य, क्योंकि अभी तो पूछ के आए हैं, इसका भाई शराबी, उसने कहा मैं पिताजी से शराब पीना सीखा, और ये क्या कह रहा है, ये जी इतना अच्छा काम करना मैं पिताजी से सीखा। उसने कहा कैसे? उसने कहा जब हम छोटे थे
तो पिताजी शराब पीकर आते थे, मारते पीटते चिल्लाते थे, हल्ला मचाते थे। उसी समय मैं निर्णय कर लिया था ऐसी गलती मैं जीवन में कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। क्या मेरा संदेश साफ है? कोई आदमी, कोई साथी गाली दे, आप भी गाली दें? कोई गलत करे, आप भी गलत करें? नहीं, आपको सही करना, ऐसी गलती नहीं करनी मुझे। ये जिस दिन आपने जीवन में लाओगे, यही असली चरित्र है मैं जो बताना चाहता हूं, यही चरित्र है। होता क्या है जनरली आजकल की जो रीति रिवाज जो ऑफिसों में देखने को मिलती है, क्या है वो? कोई देख रहा हो तो काम करो, और ना देख रहा हो तो आराम करो, होता है ना? आपको क्या करना है? कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, कोई जान रहा हो या ना जान रहा हो, मैं वही करूंगा जो सचमुच मुझे करना चाहिए। बिना दूसरे की निगरानी के मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। ये चरित्र है, ये जिसने किया, मैंने कहा ना क्वालिटी। आपको बोलते कैसे हैं, शब्द कैसे निकालते हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, न केवल पढ़ाई में, घर में भी। आप घर में भी सहयोग करें, माता पिता का सहयोग करें, और भी काम, जैसे आप अपने कक्ष को, जहां आप जिस कमरे में रहते हैं, साफ और स्वच्छ रखें। ऐसा नहीं है कि आप, मैं तो पढ़ने वाला हूं, बिस्तर, जिस बिस्तर पर सोते हैं उसकी सफाई कौन करेगा? अब तो बड़े हो गए हैं आप सोचेंगे कि माँ करेगी, घर के लोग करेंगे, क्यों? आप ये निर्णय ले लो, मुझे अपने कपड़े खुद धोना है, मुझे अपने कपड़े खुद धोना है, मैं अपने जूते की हिफाजत करूंगा, मैं अपने बिस्तर की, अपने कक्ष की हिफाजत मैं करूंगा, मेरा कक्ष साफ होना चाहिए, मेरा विद्यालय साफ होना चाहिए, मैं जहां रहूं स्वच्छता बिखेरूं, साफ सुथरा, ये ध्यान रखो। और यह भी ध्यान रखो, मुझे कुछ घर का भी सहयोग करना है, घर का भी। मैं बच्चों से भी कहा करता हूं, अच्छा बताओ आपका भोजन की व्यवस्था कौन करता है? माता पिता करते हैं। अच्छा फीस कौन देता है? माता पिता करते हैं। कपड़े कौन देते हैं? माता पिता करते हैं। अच्छा जब बीमार हो जाते हैं तो दवाई कौन कराता है? माता पिता। सब कुछ काम कराते हैं माता पिता। आप माता पिता के लिए क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा, हल्ला मचाना, कचरा फेंक करके आना, जूठे बर्तन छोड़ के आना? आप कुछ ऐसा करिए अपने जीवन में जिससे माता पिता को खुशी मिले। जब आप गलत करते हैं तो उनको खुशी नहीं मिलती है। जब आप स्कूल में फेल हो जाते हैं, नंबर कम आता है, उनको खुशी नहीं मिलती है। क्यों? पैसा किस लिए दे रहे हैं? कॉपी किस लिए लिए? पुस्तक किस लिए लिए? फीस क्यों दिया जा रहा है? ताकि आप ज्ञान हासिल करो, आगे बढ़ सको। और आप सब कुछ देने वालों को आप खुशी नहीं दे रहे हैं। आपकी ओर से देने वाला कोई गिफ्ट है, वो क्या है? माता पिता आपके व्यवहार से प्रसन्न हो। और जब माँ के साथ सहयोग कर देंगे, चाहे बर्तन धोने में हो, घर की सफाई में हो, कपड़े के धोने में हो, या और काम में, या भोजन बनाने में क्यों ना हो, इसी प्रकार से बच्चे हैं, लड़के, उनको भी चाहिए घर के छोटे मोटे काम में सहयोग दें। क्यों? मैं बताया ना, कोई जरूरी नहीं कि नौकरी, आज तो और कठिन है नौकरी का मिलना, लेकिन आप पहले से अपने आप को तैयार रखिए, प्रिपेयर करिए कि नहीं, मैं छोटे काम बड़े काम सब कर सकता हूं, मैं अपने में हिम्मत वाला हूं, हिम्मत वाला हूं। एक बात ख्याल आई कि एक इंटरव्यू था, बहुत पहले मैंने इसको सुना था, बच्चे और कई इंटरव्यू में जो वहाँ देने वाले बच्चे सब आए हुए थे, तो एक लड़का, उसमें क्या था, एक लड़का था, उसको घर में टोका करते थे माता पिता, हर समय टोका करते थे कि तुम बाथरूम से निकले हो, टॉवल को बाहर लगो, साफ सुखाओ, अच्छा नल ठीक से बंद कर दो, बत्ती बंद कर दो, जलाते मत रहो, खाते हो तो सब बर्तन साफ रखो। हर समय सुबह से शाम कई बार उनको टोका करते थे। बहुत हैरान हो गया वो, जब देखो तब मेरे कामों को टोका करते हैं, ये करो, ये ना करो, ये करो। उसके मन में क्या हुआ, किसी भांति नौकरी मिल जाएगी ना तो मैं दूर चला जाऊंगा और माता पिता छुट्टी मिल जाएगी। तो इंटरव्यू का
आया तो उसने कहा अब इंटरव्यू जाऊंगा दिलाऊंगा। और ऐसा करते करते वो सब अब बार बार जब कई सालों से बातें कही जा रही है तो अब सोचते हैं कि माता पिता कहना ना पड़े, पहले ही बत्ती बंद कर दो, नल को ठीक से बंद कर दो, कपड़े साफ कर लो, ये सब अपना काम खुद वो जिम्मेदारी से सजगता अवेयरनेस के साथ करने लग गया था। लेकिन फिर भी मन में होता था बहुत मुझे टोकते हैं, मैं दूर चला जाऊंगा। गया नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए, हुआ क्या था वहाँ पर जब देखा जब गया तो बाहर ऐसे नल लगे हुए थे ना पानी पियाऊ के लिए इस विद्यालय में, देखा तो नल खुला हुआ है। और जब देखा तो उसने क्या किया कि नल को बंद कर दिया। फिर देखा सुबह का मामला था, अभी भी बरामदे की बत्ती जल रही है, उसने जाकर के बत्ती को बंद कर दिया। फिर आगे गया तो देखा कि वहां कचरा पड़ा हुआ है, कचरे को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। ऐसे ही कई ऐसे छोटे मोटे काम जब जहां जहां दिखता था यहाँ पर ये सही होना चाहिए और गलत हो रहा है उसको ठीक करता हुआ पहुंचा ऊपर कक्ष में। कई विद्यार्थी बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है अंदर, पता नहीं। अब सबसे ले रहे भी बैठा, उनका भी नंबर आया। तब उसने किया तब अंदर से जो जो परीक्षा लेने वाले थे उसने कहा कि एक ही शायद विद्यार्थी एक ही शायद उनमें अपॉइंटमेंट की जरूरत थी, एक ही मतलब उनको चयन करना था। उन्होंने कहा अच्छा बताओ तो फिर कब से नौकरी ज्वाइन करने वाले हो। उसने कहा नौकरी अभी तो मेरी परीक्षा ही नहीं हुई है, कैसे कह रहे हैं मुझे। वो तो आश्चर्य पड़ गया कि देखो डिग्री की कमी किसी में नहीं है और हमारे सब कमरे लगे, हम वाच कर रहे थे कौन आदमी है योग्य कौन समझदार है जो ये काम कर सकता है। नल खुला था बंद तुमने किया, बहुत सारे विद्यार्थी आए थे, किसी को चिंता नहीं थी बत्ती बंद करने की, नल बंद करने की, कचरा फेंकने की। हम लोगों ने तो व्यवस्था के जान बुझ करके सिस्टम बनाया था कि कौन है जो ऐसा करता है और इन बच्चों में से एक अकेले हो जो अच्छा करके दिखाए और आपको ये जगह दी जाती है। आया घर सोचा उफ, और जैसे आया घर माता और पिता के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि उफ मैं क्या सोच रहा था छोड़कर अलग जाऊंगा, लेकिन आपने मेरे जीवन को कैसे बना दिया है, कैसे संवारा है। जैसे हीरे को तराशा जाता है ऐसे ही बच्चों को तराशा जाता है माता पिता के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा, इसलिए उनका सम्मान भी होना चाहिए, दिल से सम्मान होना चाहिए, अपमान का भाव नहीं। उनके साथ कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे भाव रखना चाहिए, यही तो चरित्र है। कहाँ से आएगा, कहीं भी जाएंगे आपके चरित्र के आधार पर आपका मूल्यांकन। शुरू में किसी के पहनावे को देख करके, रूप सौंदर्य को देख करके लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन बाद में वो शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में आपका चरित्र आपका स्वभाव ही आपका को आदर दिला सकता है। नेपोलियन बोला पार्टा का नाम सुने होंगे आप लोग। एक बार अपने कक्ष में होते एक आदमी के लिए सूचना है कि एक व्यक्ति आया है आपसे मिलने के लिए। साधारण सा कपड़ा पहना हुआ था, बिल्कुल साधारण ढंग था उनका। आए तो नेपोलियन बोनापार्ट कुछ अध्ययन कर रहे थे, जैसे उनको प्रवेश किए उन्होंने अभिवादन किया उनको नेपोलियन को, और उनको देखा नेपोलियन ने दरी बिछी थी, इशारा कर दिया बैठ जाओ। अभिवादन का प्रत्याभिवादन भी उन्होंने नहीं किया, बातचीत शुरू हुई, कौन है कैसे हैं किसी काम से आए थे, बातचीत शुरू हुई। और बातचीत के दौरान पता चला हमारे देश के बहुत बड़े चित्रकार हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अच्छा सारी बातें हुई और अब जाने की बात आई। जब जाने की बात आई तो क्या हुआ, नेपोलियन स्वयं उठा और उसको दरवाजे तक छोड़ने गया। उन्होंने कहा ये बड़ी अद्भुत, उन पर आश्चर्य लगा जो चित्रकार आया था कि सर एक बात मेरे मन में है, जब मैं आपसे मिलने के लिए गया आपने मेरे अभिवादन का प्रत्याभिवादन ही नहीं किया, और जब मैं जा रहा हूँ आप मुझे छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए हैं, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा देखो भाई जब कोई आता है ना तो उसका आदर उसके वेशभूषा के आधार पर होता है, और जब कोई जाता है ना तो उसके गुणों के आधार पर होता है, चरित्र के आधार पर होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ आप
भीतर से भी अच्छा बनना शुरू कर दे और वही आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। कहीं भी जाएंगे आप अच्छा ही रहेंगे। अभी पिछले जून की बात है, सूरत से मैं महाराष्ट्र आया एक कार्यक्रम में, एक घर रुकना हुआ था तो उनका एक बेटा मलेशिया रहता है, पहले से परिचित हैं और भी मिल चुके थे वो, लेकिन अब मलेशिया रहते हैं। फिर सोचे कि साहब आए हैं तो उनसे थोड़ा सा बात कर लें, फ़ोन लगा दिए उनके पिताजी, कहा साहब से बात कर लीजिए। कहा साहब आपसे मिलना था लेकिन मैं आया तब आप नहीं आ पाए थे, मैं जा भी नहीं पाया आपसे मिलने के लिए, और यही सब बातें होने लगी। फिर उन्होंने एक बात कही, लेकिन जो मुझे माता पिता से संस्कार मिले, जो गुरुजनों से संस्कार मिले, यहाँ भी बड़ा काम आता है। मैंने कहा भैया ये जो अच्छे संस्कार है ना, वे भारत दुनिया के पृथ्वी के किसी कोने में चले जाओ, किसी कोने में चले जाओ, वो उपयोगी हैं। विनम्र आदमी सब जगह पसंद किए जाते हैं, धैर्यवान सब जगह पसंद किए जाते हैं, जिनके मन में सहयोग का भाव होता है सभी जगह अच्छे लगते हैं। दूसरे की गलतियों को क्षमा कर देना, अपनी गलतियों पर तत्काल क्षमा मांग लेना, सभी जगह पसंद किए जाते हैं। इन गुणों को जिसने धारण किया उसका जीवन आगे, और किसी भी क्षेत्र में रहे, किसी भी क्षेत्र में ही आपको पूछूं, यहीं पर थोड़ा सा नुकीला प्रश्न है, बातें हैं। आपके विद्यालय में कई टीचर्स हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप लोगों में, आप लोगों को भी कुछ शिक्षक या शिक्षिका बहुत पसंद आते होंगे, बहुत पसंद आते होंगे। ऐसा लगता होगा उनसे मिले, उनसे बात करें, वो हमको पढ़ाए, ऐसा लगता होगा। क्यों लगता होगा, क्यों लगता है ऐसा? जैसे किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, सब डॉक्टर हैं, सब अच्छी डिग्री पाए हुए हैं, तनख्वाह भी उनको मिलती है लगभग समान, थोड़ा बहुत अंतर करके, लेकिन आपको क्या लगता है, ये डॉक्टर आता तो अच्छा रहा, ये बात करते तो अच्छा रहा, क्यों लगता है? देखो चिकित्सा सभी कर रहे हैं, टीचर सही पढ़ा रहे हैं, कुछ अतिरिक्त गुण हैं, कुछ चरित्र है, कुछ स्वभाव का अंतर है, कुछ है जो आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। अच्छे गुण ही आकर्षित करते हैं। अभी मैं राजस्थान में था कुछ दिन पहले अगस्त में, तो जिनके घर था तो वो दोनों पति पत्नी टीचर थे, तो पति ने कहा, बात बैठे हुए थे सब ऐसे, उन्होंने अपने, मैंने कहा मैं अपने शिक्षकों से कहता हूँ, शिक्षिकाओं से भी कहता हूँ, आपको बच्चे सुने ही क्यों, क्यों सुनेंगे बताइए, क्या दे रहे हैं बच्चों को, क्या सचमुच उनके काम के लायक दे रहे हैं, आपका ढंग कैसा है, आप सचमुच वो रुचिवान बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मशीन की तरह बस दायित्व बस करना है, सिलेबस कंप्लीट कराना है। आप सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कराते हैं, आपका जीवन बच्चे पढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिए, आपके देख करके सीखते हैं। और यदि कहीं आप विद्यालय में भले आप अनुशासन का पालन करते हो, लेकिन घर में कहीं अनुशासित जीवन न जी रहे हो, यदि आप में तंबाकू खाने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है और गलत व्यवहार है, बच्चे जानेंगे आपके प्रति उनकी श्रद्धा नहीं रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है आप स्वयं चरित्रवान हो और बच्चों को भी चरित्र का बोध कराएं, ज्ञान दें, और ऐसे ही करेंगे तब तो हमारा राष्ट्र सुंदर बनेगा। परिवार कैसे सुंदर बन सकता है, हम शुरू से ही बच्चों को संस्कार देना शुरू कर दें, क्यों, यही बच्चे तो हैं आगे चल करके बड़े होंगे, चाहे वो नेता बनने हो, चाहे वो साधु बने, चाहे वो डॉक्टर बने, वकील बने। देखिए डॉक्टर होने का मतलब नहीं है कि सभी डॉक्टर अच्छे आदमी हो गए, डॉक्टर होना अलग चीज है, अच्छा आदमी होना बिल्कुल अलग चीज है, ध्यान दीजिए, डॉक्टर होना बिल्कुल अलग बात है और अच्छा आदमी होना बिल्कुल अलग बात है। इसी प्रकार मास्टर होना, टीचर होना अलग बात है, लेकिन अच्छा मास्टर होना, अच्छा आदमी होना बिल्कुल अलग बात है। मैं जानता हूं इलाहाबाद हम लोग का आश्रम है, वहां जहां रहा करते थे एक डॉक्टर, नाम भी पता है, वो बड़ा अद्भुत आदमी था वो, और बहुत अच्छे वो चिकित्सा करता था, ऑपरेशन करता था, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी, किसी मरीज को जैसे कोई पेट ही फाड़ लिया और अमुक उसमें गलती है, मर्ज है, रोग है, उसको निकालना है और सब कुछ कर दिया है, बाहर उनके गार्जियन से बैठे हुए हैं, घर के लोग बैठे, बाहर आता एक रोग और निकला है,
10,000 रुपये और लगेंगे। अच्छा क्या कहेंगे घर के लोग, हाँ भाई कर दो, कुछ होता नहीं था, इस प्रकार वो पैसा ऐठा करता था। वही लोग बताते थे, क्या हुआ, डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे, आदमी अच्छा नहीं था। सही है ना, आदमी अच्छा नहीं था। एक शिक्षक को जानता हूँ, एक भगत का लड़का, उधर धमतरी के पास के नया पारा राजीव नाम सुने होंगे, बाजू के गांव के एक भगत लड़का, वो जो पढ़ाते थे वो कॉलेज में पढ़ाते थे, लेक्चरर थे, शायद प्रोफेसर थे क्या, मैं देखा हूँ उनको। बच्चे कहते थे जितना अच्छा ये सर पढ़ाते कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन हुआ क्या, शराब के बिना वो रह नहीं पाते थे, और शराब पीते पीते ही नौकरी का समय पूरा होने के पहले ही उनकी मृत्यु भी हो गई। आदमी अच्छा नहीं था, प्रोफेसर अच्छा था, इसमें संदेह नहीं है। मैं क्या कह रहा था शुरू में, अच्छा इंसान बनना है, आप डॉक्टर बनेंगे अच्छा रहेंगे, फिर वकील बनेंगे सही रहेंगे, फिर वहां भी अच्छा रहेंगे, आपका चरित्र की बखान होगी, शिक्षक होंगे तब, चाहे घर में ही हो घर का काम करेंगे, आपका आदर होगा, सम्मान होगा। इसलिए आवश्यकता है पढ़ाई के साथ साथ जीवन की भी पढ़ाई करो। स्कूल की पढ़ाई करने वाले स्कूल की परीक्षा पास कर लेते हैं, और जीवन की परीक्षा जीवन की पढ़ाई करते हैं वे जीवन की भी परीक्षा पास कर लेते हैं। बहुत से बच्चे पढ़ लिख कर तो तैयार हो जाते हैं, स्कूल की परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन जब जीवन की परीक्षा शुरू होती है फेल हो जाते हैं। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, परीक्षा की जिंदगी जिंदगी की परीक्षा, एक संत ने लिखा है, परीक्षा की जिंदगी जिंदगी की परीक्षा, 25 साल तक परीक्षा की जिंदगी, होता है कि नहीं होता है। अभी कहेंगे देखो ये टेस्ट आने वाला है, ये एग्जाम है, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, फिर एनुअली, इतने भी एग्जाम एग्जाम एग्जाम। अच्छा पढ़ लिख लिए, अब क्या कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। 25 साल तक परीक्षा की जिंदगी, और 25 साल के बाद जिंदगी की परीक्षा शुरू होती है। बहुत से बच्चे स्कूल की परीक्षा में पास हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी की परीक्षा जब शुरू होती है तब फेल हो जाते हैं। जब आगे बढ़ेंगे, अभी जब मैंने कहा ना, जब कपल होंगे शादी होगी तब वो उस समय आगे चलेंगे तो फिर चुनौतियां आएंगी। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए आप, अभी से तैयारी। कई बार एक बिटिया थी, छोटी थी, तो भाई सभी लोग लड़ते हैं, आप लोग भी लड़ते होंगे, न लड़ो तो अच्छा है, आपस में भाई बहन लड़ा ही करते हैं, तो लड़ा करते थे। फिर फोन आता था, मुझे ये करते, मैंने कहा बेटी यहाँ प्रशिक्षण स्थल है, सहो, भाई का सहो, पिता का सहो, सबका सहो, यहाँ जो सहनशीलता बना करके मजबूत बनाओगे ना, किसी के कटु को किसी के गलत व्यवहार को सहती रहो, सहनशील बनो, जवाब मत दो। अच्छा कभी कभी जवाब वो भी देती थी, फिर भी वो सहनशीलता अपनी सहनशीलता को बढ़ाती चली गई। शादी होकर जब चली गई तो कुछ समय के बाद उसने फोन करके, और भी बीच में फोन करती थी, उन्होंने कहा आपने जो कहा था वहां प्रशिक्षण है वो बड़ा काम आता है यहाँ, क्यों आप घर में गलती करेंगे, अभी माता पिता के सामने भाइयों के सामने छोड़ दो ना, बेटी है चली जाएगी, लेकिन जब बाहर जाएंगे दूसरे घर जाएंगे तब वे लोग क्षमा नहीं करने वाली है, वो डांट पड़ेगी वहां पर गलतियों पर, और यदि सहने की क्षमता नहीं होगी तो कमर में बैठकर सुबह करोएंगे। सहनशीलता बढ़ाओ, मत मानो कि यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, वो प्रशिक्षण समझो, कोई बात नहीं, प्रशिक्षण समझो, ये काम आने वाली चीज है आगे चल करके जीवन में, इन सब चीजों को जीवन में लाना है। और मैं कहा ना जिंदगी की परीक्षा शुरू हुई, मैं कई बार बच्चों से कहा करता हूँ, आप डिग्री पा गए, कई प्रकार की डिग्रियां, मैं नहीं, आजकल तो बच्चे ऐसी ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे जब बताते हैं 60 फारों में उसका, तो मुझे क्या है इसका मतलब, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स सब हो गए और भी हो गया, तो मैं कहता हूँ मैं इतना तो जानता हूँ, PhD, डॉक्टर ऑफ फिलासफी, ये तो है। तो मैंने कहा मान लो आप डॉक्टर हो गए, PhD हो गए, और आपके पास प्रमाण पत्र भी है, और आपकी पत्नी रूठ गई, तो आप क्या प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे, देखो जी मैं PhD हूँ, मेरी बात मान जाओगा, के मानेगी वो नहीं मानेगी। अच्छा मैंने कहा मैं अभी बता देता हूँ क्या करेगी, वो आपके हाथ से प्रमाण पत्र छीनेगी, 10 टुकड़े में फाड़ेगी और डस्टबिन में फेंक देगी, वहां प्रमाण पत्र काम नहीं आएगा, अगर वो डिग्री, वहां काम आने वाला है आपकी विनम्रता, आपकी ईमानदारी और आपका प्रेम, क्या आपने उसको जीवन में विकसित किया है, यदि नहीं किया है तो आप वहां फेल हो जाएंगे,
दाखिल हो जाएंगे। घर आते हैं, पत्नी नाराज हो गई है, परीक्षा शुरू हो गई, बच्चे नाराज हो गए, परीक्षा शुरू हो गई, कैसे आप उनके साथ पेश आते हैं? ये परीक्षा जीवन में आने वाली आगे चल करके अभी से दे, कोई कोई मास्टर डांटते, टीचर से डांटते हैं, माता पिता डांटते, कोई बात नहीं है, इसका मतलब नहीं कि ध्यान नहीं देना। क्यों डांट रहे हैं? कुछ तो गलती होगी, उस गलती को ठीक करो, उस गलती को ठीक करो। ये तब होगा, अच्छे मित्रों की संगत करो। एक चीज और बताना था, अच्छे मित्रों को बनाओ, मित्र अच्छे बनाओ। गलत खान पान वाले, गलत बोलने वालों को मित्र मत बनाओ। आपसे कम कम अप हो जिनको मित्र, अप हो, पढ़ाई में होशियार हो, जानकारी में होशियार हो, ताकि वहां से सीख सको। आपसे ही कम जानते हैं, आप ही बने हुए हैं अंधों में काना राजा, आप ही बड़े हैं, क्या सीखेंगे आप? ज्यादा जानकार लोगों से मित्र बनाओ, ताकि उनसे सीख सको कैसे जानना, ऐसे नॉलेज हासिल किया जाता है। गलत लोगों के लिए गलत खान पान, स्वास्थ्य सुंदर। APJ अब्दुल कलाम जानते ना कौन? पूर्व राष्ट्रपति, वैज्ञानिक भी, मिसाइल मैन कहा जाता है। पहले मैं उसके बारे में नहीं जानता, जब उनकी पुस्तकें मैंने पढ़ी, मेरा हृदय उनके सामने झुक गया, नमन किया। मैंने कहा ये संत है, ये संत है। मैं तो केवल कपड़ा पहना हूं, लेकिन संत का जीवन इन्होंने जिया है। बहुत उनके प्रति मेरी भावना। जब मैं रामेश्वरम गया, उनका जो जन्म स्थली वहां भी गया, म्यूजियम भी आजकल तो बन गया है। बहरहाल जो मैं बताना चाहता हूँ वह है, कई पुस्तकें हैं, आपका भविष्य आपके हाथ, एक पुस्तक उनमें लिखा, उसमें लिखा है उन्होंने कि बच्चों के लिए खास करके, वो तो युवाओं के लिए वो बोला करते थे। तो उन्होंने क्या लिखा है कि बुढ़ापे में जो बड़ी बीमारियां आती हैं, बड़ी बीमारियां आती हैं, वो अंत जीवन के अंत में बहुत तकलीफ देती हैं, लेकिन वे बीमारियां अचानक नहीं आती है, उन बीमारियों को लगने में वर्षों लग जाते हैं, दशकों। अर्थात जब कम उम्र होती है तभी उस बीमारी की शुरुआत हो जाती है। इसलिए बच्चों, शुरू से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खान पान में संयम करो, एक्सरसाइज व्यायाम करो। खान पान में संयम का मतलब क्या कह रहा हूं? वो जो पैकेट वाला आता है ना, कंपनी वाला, उसको खाना बंद कर दो। जो कुरकुरे मुरमुरे चिल्लाते रहते ना आप लोग, ये खाएंगे वो खाएंगे, जितने पैकेट बंद कंपनी वाले आते हैं, उनको पैसा कमाना है, स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर पीते ना, क्या क्या कोल्ड ड्रिंक्स पीते ना, जिसमें वो थम्स अप क्या क्या बोलते हैं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, बहुत सारी फ्रूटी और क्या क्या। रामदेव बाबा क्या कहते हैं, वो तो टॉयलेट क्लीनर है, धो के देख लो साफ हो जाएगा, केमिकल के अलावा कुछ नहीं होता है उसमें है। इन सब चीजों को पेट में मत डालो, घर का भोजन करो। ये बाहर कंपनी वाले चाहे बिस्कुट, बिस्कुट के नाम पर तो लूटते हैं, घर का बना खाओ। घर में रोटी बनती है उसका खाओ, भोजन बनता है उसको खाओ, बाहर का बना हुआ ये होटलबाजी से कम से कम कम करो अपने आप को। ये चाट वाट मत चाटते रहो, कोई मतलब नहीं, पता नहीं कब का सड़ा हुआ सामान डाले रहते हैं क्या गड़बड़ हो गया? सही है ना, लग रहा है ना सही? एक बात, अच्छा चलते चलते, सॉरी क्षमा करें, समय पूरा हो गया मेरा, एक अंतिम बात कहना रह गया था, मोबाइल एडिक्शन। क्या लगता है आपको, आज शराब से भी बढ़कर नशा है, लत है? शराब तो कभी कभी लोग पीते हैं, और मोबाइल याद है ना, कितना समय देते हैं मोबाइल में। एक बिहार में था, पूर्णिया में, सब लोग घर के बैठे थे और लड़का नहीं आया था। मैं कहा कहाँ गया वो छोटा बच्चा, कैसे मोबाइल गेम खेल रहा है। फिर पकड़ के लाए, क्या कर रहे थे? गेम खेल रहा था। मैं कहा अच्छा गेम खेल रहे थे? मैंने कहा बेटा इस गेम को तुम मोबाइल में न खेल के मैदान में खेलते हो सकता है शारीरिक फिटनेस बढ़िया हो जाता। इसमें क्या क्या सीखे तुम मोबाइल बताओ? क्या तुम पढ़ाई के बारे में सीख रहे थे? क्या कुछ नई जानकारी हासिल कर रहे थे? मैंने कहा कितना समय देखते हो? 4 घंटे मोबाइल, वो कमी बताया होगा, 4 घंटे। यदि 4 घंटे में यदि आप खेलते 2 घंटे और 2 घंटे पढ़ते, कितनी चीजें आप हासिल कर सकते थे, या घर के काम में सहयोग करते। मोबाइल से अपने आप को दूर रखो, अभी कोई जरूरत नहीं आप लोगों को मोबाइल की, कोई जरूरत नहीं है। यदि जरूरत है तो माता पिता से बात करो इस चीज को लेकर के। ये गेम खेलना, ये देखना, वो देखना, उसमें जो वाइब्रेशन और किरणें होती निकलती हैं, वो बहुत नुकसान करने वाली होती हैं।
इसलिए रात में सोते समय सुबह जल्दी उठ करके मोबाइल मत छुओ। ये भी नहीं कहता हूँ कभी मत छुओ, कभी कभी उपयोग कर लिया करो, लेकिन टाइम मान लो मुझे आधा घंटा देखना है, चलो ठीक है, बाकी नहीं। जो संयम अनुशासन हमेशा ध्यान रखो, ये विषय मेरा छूट ही गया। अनुशासन अनु आत्मा अनुशासन अनुशासन मैं एक चीज बताऊं, आप यहां आए और यहां से वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में सभी कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहां से जब वहां पहुंचोगे कैसे, एक ब्रिज है दोनों के बीच में, यहां से वहां तक ले जाएगा, उस ब्रिज का नाम, उस पुल का नाम है आत्मा अनुशासन। अपने पर शासन करो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। सुबह कितने लोग हैं जो सूर्योदय के बाद उठते हैं? उठते तो होंगे, बता नहीं रहे हैं, है ना? सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ोगे भीतर आएगा, व्यायाम करोगे शरीर बनेगा, घर का कोई भी काम करो सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, रात में जल्दी सोने की, सुबह जल्दी उठने की, अच्छी आदत ध्यान रखो, अच्छी आदत का निर्माण करो। क्यों? पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं, इसलिए अच्छी आदत आदतों से ही आपकी परख होती है। अच्छी आदतों का निर्माण करो, वो क्या है? सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत मानी जाती है। अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालो, अच्छी आदत मानी जाती है। और मैंने ये भी बताया, क्वालिटी वाला जीवन, जो गुणों वाला है, अच्छे गुण हमारे जीवन में आए, वो अच्छी आदत मानी जाती है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप लोगों के लिए इसलिए भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि इतनी शांति से बैठे हैं। एक विद्यालय में गया था उधर बिलासपुर की तरफ में, शिक्षक बैठे मेरे बाजू में, प्राचार्य बैठे और बच्चे सामने हैं, कुर्सियों पर बैठे थे, एक बच्चा टेबल पर बैठा था। मैंने कहा बच्चे तुम नीचे बैठो, क्या कर रहे हो? और मैं वह बताने आया हूँ जो आपके शिक्षक और आपके घर वाले नहीं बताते, जीवन का पाठ पढ़ाने आया हूँ, और तुम कैसे बैठे हुए हो? मैंने कहा बैठो नीचे। बैठे, बातचीत किया, और पूरा जब आधा घंटा कितना बोला था, फिर जिस शिक्षक ने बुलाया था ना उनके पास, वहाँ के विद्यार्थी ने कहा सर हम नहीं समझ सकते थे, हमारे लिए भी इतना अच्छा कोई सोचने वाला है, हमको इतनी अच्छी बात बताने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन को तराशें, संवारे। हीरे के, हीरा जब बिना तराशा हुआ होता, मैं देखा हूँ सूरत तो डायमंड सिटी है, कभी आना सूरत तो मैं दिखा दूंगा हीरा आपको आश्रम में, और वहाँ खाने की व्यवस्था मिलेगी, रहने की व्यवस्था मैं देने वाला हूँ, ठीक है? तो वहां हीरा एक बिना तराशा हुआ, दूसरा तराशा हुआ, बिना तराशे हुए हीरे को देखेंगे लगेगा नदी से कोई बालू ले आए हैं, उठा के फेंक देंगे, मैला मैला दिखता है, मटमैला पीला टाइप का। लेकिन जब उसे तराशा जाता है, 56 बाल बनते हैं, मैंने देखा है, सामान्य आंखों से दिखाई भी नहीं, सरसों के दाने के बराबर भी रहेगा, लेकिन 56 बाल बनते हैं। जब हीरे को तराश दिया जाता है, चमक बढ़ जाती, कीमत बढ़ जाती। जिस दिन आप अपने जीवन को तराशेंगे, आपके जीवन की चमक बढ़ जाएगी और आपके जीवन की कीमत बढ़ जाएगी। मेरी यही शुभकामना है कि आप अपने जीवन को तराशें, संवारें, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, प्रेमपूर्ण रहें, समृद्ध रहें और आनंद का अनुभव करने वाले बने। आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।